हरम के सहन में इत्तिसाल की नमाज पर, अगर अगली समय नजर आ रही है तो फिर नमाज ठीक है। मौलाना तारिक जमील के बारे में अपनी राय का इजहार करें, उससे किसी बड़े आलम से राय लें ना, मैं तो तालिबुल इल्म हूँ, मैं क्या राय दूँ, मैं तो उनसे छोटा हूँ भाई, मैं तो एक तालिबुल इल्म हूँ, वो आलिम है, बुजुर्ग है, उनसे किसी बड़े से राय लो ना, तुम सिर्फ यही राय नहीं दे रहे होगी। हक बात तो दीवार पर भी लिखी हो तो मान लो, कोई भी कहे, गलत बात कोई भी कहे ना मानो, ये बड़े राय पूछ रहे हैं, फलाने के बारे में क्या राय है, फलाने के बारे में क्या राय है। आप किस मदरसे से फारे हुए? यहां हरम में मैं फारे हुआ। सल्फी हजरात, हर मुसलमान सल्फी है, सल्फ का माना सहाबा के मानने वाला, कौन ऐसा है जो सल्फी नहीं है? असलाफ हमारे कौन है? सहाबा है। मैं इमाम के है दूसरी अजहरी नमाज में वलद्दालीन के बाद आमीन आमीन कहना चाहिए, फकूलू आमीन हदीस में हुक्म है ना कि जब इमाम कहे गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन फकूलू आमीन, तो इसी से तो इमाम हनीफ ने दलील पकड़ी है कि बस इमाम फातिहा पढ़ना इमाम का काम है, मुक्तदी का काम आमीन कहना है। हनफी मसलक में भी इमाम के पीछे कहे रब्बना लक अलहम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन कबीरन, मक्के में रहता है तो हनफी मसलक में वो बड़ा ना करे, क्योंकि उसके लिए तमत्तो और किरान नहीं होता। दम की बकरी हज में कुर्बानी करता है, दम अलग चीज है, कुर्बानी अलग चीज है। दम तो जुर्माना है ना, कुर्बानी तो सुन्नत है। मेरे सास और ससुर ज़कात और सदके के मुस्तहिक हैं, मेरी बीवी अपने माँ बाप को ज़कात दे सकती है? नहीं दे सकती। माँ बाप के लिए कौन सी ज़कात होती है? तुम्हारा माल ही माँ बाप का है, ज़कात का क्या माना? बीवी को कहो वैसे अपने माँ बाप को दे, ये क्या माना कि ज़कात अदा कर रही है? ज़कात माँ बाप को नहीं दे सकते हो, ना बेटी बेटे को दे सकते हो, भाई बहन को दे सकते हो। पता नहीं मेरी लड़की से मोहब्बत हो गई, फला हो गया, मुझे नहीं पता भाई, तौबा करो। तुम्हारी लड़की से किसी की मोहब्बत हो गई ना, फिर मतलब कुछ नहीं आना। जब तुम्हारी लड़की से, तुम्हारी बहन से कोई इश्क करे ना, फिर मुझसे मसला आके पूछना। लोगों की लड़कियों से मोहब्बतें करते, अब तुम्हें हमदर्दियाँ हो रही हैं, किसी और से हमदर्दी क्यों नहीं होती? ये सब शैतानी ख्याल हैं। आज का लड़के के लिए शादी की क्या उम्र है? जब पैदा हो शादी कर दो, वो तो पैदा ही बालिग होता है, फिल्में देख देख के माँ के पेट में सब कुछ सीख के आता है। बहरहाल जब बालिग हो शादी करो। अमल बताएं कि शादी जल्दी हो जाए, मेरी तो नहीं होती। बहरहाल अमल यही है कि तीन दफा सूरत रहमान पढ़ के रोजाना दुआ किया करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 11 दिन के अंदर अंदर अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। औरत की ना हो वो भी पढ़े, लड़के की ना हो लड़की की ना हो, सब सूरत रहमान, क्योंकि रहमान जो है ये अराइसल कुरान है, ये कुरान की दुल्हन है, इसलिए तीन दफ़ा पढ़ा करें। अव्वल आखिर दरूद शरीफ, इसी नीयत से कि या अल्लाह मुझे दीन वाला रिश्ता नसीब फरमा। पाकिस्तान से उम्रे के लिए औरत आई, मदीने से मक्के का सफर हाथ हैद में हुआ तो मीकात से बगैर एहराम के गुजर गई, दोबारा मीकात में जाकर उम्रा करे वरना दम देनी पड़ेगी। मर्द ने उम्रा कर लिया, हल्क नहीं कराया, कपड़े पहन लिए, एहराम उतार दिया, हल्क भी कराए दम भी अदा करे।
अगर एक आदमी व्हील चेयर में माजूर है, उसको तवाफ करा रहा है, अपनी भी नीयत करे इंशाल्लाह दोनों का हो जाएगा, जो कोई दोनों जमीन पे चल रहे हैं वो मसला है, सर पे उठाया हुआ हो वो अलग मसला है। जिंदा इंसान अगर माजूर है उसके लिए आप मना कर सकते हैं।